मौजूद नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। पंजाब विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदी। ये तिलों के खूबसूरत खेत देखें जनाब, अभी पक गए, जवान हो गए और इस साल हमने इनको नालियों पर काश्त किया है जनाब। ये वाली नालियां जो हैं देखें, ये मकई की नालियां जनाब, ऐसे काश्त किया। पहले हम लोग जो है ना छट्टी की मदद से काश्त करते थे, जो इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी। हमारे एक दोस्त ने छट्टे की मदद से काश्त किए हैं, वो भी आपको क्लिप दिखाते हैं जनाब। पहले ये देख लें जनाब, कितने ज़बरदस्त हुए हैं जनाब, देखें। तो ये देखें नाज़रीन ग्रामी, ये वो खेत हैं जनाब जो छट्टे पर काश्त किए गए हैं। देखें कोई ख़ास नहीं हुए जनाब, देखें बिल्कुल बहुत बुरी हालत है इनकी, देखें आप देख सकते हैं। इनका कद भी बहुत छोटा है जनाब और फल भी बहुत जो है ना कम लगा हुआ है। देखिए तो आप इसमें जो है ना वो नालियों वाली काश्त और इस छट्टे वाली काश्त का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है या उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ये तो वाजिया नज़र आ रहा है जनाब। तो वीडियो को लाइक कर दें यार, लाइक करने से आपका कोई भी ख़र्चा नहीं आएगा लेकिन हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। देखें हमारा भी जो लोग तिलों की काश्त करते हैं ना, उन भाइयों से हमारा यही मशवरा है कि आप लोग जो है ना अच्छी पैदावार लेने के लिए इनको जो है ना नालियों पर काश्त किया करें, वो छट्टे पर काश्त ना किया करें। देखें कोई पौधा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर फल ना लगा हो, तकरीबन सारे पौधे फलों से लदे हुए हैं जनाब, देखें। और इनका कद भी तकरीबन 7-8 फुट तक जो है ना पहुंच चुका है। तो जी हाँ जनाब, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।